ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इस समय पूरी दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है। इस रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषि सुनक अब दिन रात एक करके अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के क्रम में ऋषि सुनक ने आखिरी राउंड की वोटिंग में भी बढ़त बनाए रखी है। उनका मुकाबला अब लिज ट्रस से है। आखिरी राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 137 वोट मिले, वहीं लिज ट्रस के खाते में 113 वोट आए हैं। अब इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में दोनों उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं। प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवार खुद को ब्रिटेन के लिए बेहतर विकल्प साबित करने पर जोर देंगे। इस दौरान ऋषि सुनक ने अपने बयान में कहा है कि मैं थ्रेचर के मूल्यों को मानता हूँ, मैं कड़ी मेहनत, परिवार और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ, मैं थ्रेचर का अनुयायी हूँ, मैं उन्हीं की तरह काम करता हूँ और उन्हीं की तरह सरकार चलाऊंगा, मैं राष्ट्रीय संप्रभुता में विश्वास रखता हूँ, वैध और अवैध इमिग्रेशन पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा, अच्छी आर्थिक प्रगति को केवल निचली महंगाई के आधार पर ही पूरा किया जा सकता है। अब सुनक और ट्रस दो ही दावेदार प्रधानमंत्री की दौड़ में बचे हैं, जिनके बीच सोमवार को लाइव डिबेट होगी। आज से दोनों उम्मीदवार पूरे देश में टोरी पार्टी के सदस्यों के बीच अपने लिए वोट मांगेंगे, जिसके बाद टोरी पार्टी के 1,60,000 सदस्य अपने नेता के लिए डाक के जरिए वोट डालेंगे। इन डाक मत पत्रों की गिनती कर 5 सितंबर को विजेता की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद 7 सितंबर को नए प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद में सवालों का सामना करेंगे। ऐसे में अगस्त का पूरा महीना ब्रिटेन के लिए गहमा गहमी भरा रहने वाला है।